तो इसके गाड़ी के अंदर का सीन दिखाते हैं आप लोगों को भाई। ये देखो कुछ इस तरीके का है, यार भी डैशबोर्ड पूरा अंदर घुस गया है भाई साहब। जय जोहार, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय हम हैं रायपुर में, ट्रांसपोर्ट नगर में। हमारी गाड़ी का काम हो रहा है, जो कि हमारे रेडिवेटर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था तो उसको निकलवा दिए हैं और अभी चेंज करके लेके आया रेडिवेटर, तो आज फिट होगा भाई। और कल हमने निकलवाया था, मतलब 23 तारीख को निकलवाया था, आज है 24 तारीख। तो लोडिंग वोडिंग करके खड़े हैं दोस्तों, और आप लोगों को बताएंगे भाई कहाँ की लोडिंग है, क्या है। कंटिन्यू ब्लॉक पर बने रहो। और अभी भाई सुबह के करीबन बज चुके हैं 7:30। उसके बाद में कितने बजे आएंगे भाई, 9 बजे के आसपास मतलब वो आएंगे मिस्त्री लोग। उसके बाद में भाई फिट होगा अपना गाड़ी का सामान, ठीक है। कंटिन्यू ऐसा गुजरा, आप लोगों को पता भी नहीं चला भाई कल का दिन इतना जल्दी गुजर गया था, पूछो मत, है ना। और देख सकते हो गाड़ी अपनी लोड है, ये देखो ये देखो पूरी लोड है भाई। मतलब हम 22-23 तारीख को ही लोडिंग कर लिए थे, वहाँ से खाली करके आए थे 22 तारीख को, बाद में लोडिंग ही कर लिए थे। और ये ट्रांसपोर्ट नगर जो कि दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखो भाई कुछ ऐसा सीन है सुबह सुबह का। अभी तो उतना ज़्यादा गाड़ी नहीं चल रही है, 9 बजने तो फिर उसके बाद में यहाँ पर गाड़ी है गाड़ी दिखेगी। तो रेडिवेटर वेडिवेटर तो खुल गया है अपना, बस आएगा फिर उसका फिटिंग करेगा। फिर हमको केविन का बूस भी चेंज करवाना है, ठीक है। ज़्यादा हाइट भी नहीं है अपना, माल ठीक है, पूरा बराबर आया है। चलते हैं चाय पीते हैं भाई, चाय पी लेते हैं यार, सुबह सुबह का टाइम है। गाड़ी भी साफ कर लेते हैं पहले। तो ले लिए दोस्तों चाय, हाफ चाय लिए भाई। स्वास्थ्य अभियान चल रहा है जो कि देख सकते हो भाई। गाड़ी भी साफ कर लिए, तो दोस्तों अपना भाई केबिन उठा दिए हो, आ चुका है अपना रेडी वाइटर, जो कि भाई देख सकते हो यहीं से ही, मतलब ये वाला टूट गया था फाउंडेशन इसका यहाँ से, और अभी इसको नया डलवाएं, जो कि देख सकते हो ये लगा है नया, ये वाला। और ये रहा भाई कुछ यहाँ का, ये इसी में ही लगेगा वो वाला मुंडी इसका। तो इंजन का कुछ इस तरीके का है अपना हाल। कहाँ गया, एक मिनट यार, साइड में पैर रखा। ये देखो और इसका इंजन भाई जब नई नई गाड़ी आई थी उसी समय ही सीज हो गया था, मतलब कि भाई पानी की वजह से, कोई नया ड्राइवर चला रहा था, नया नहीं भाई पुराना ही ड्राइवर चला रहा था, पानी चेक नहीं किया था भाई, सीज हो गई थी। पानी नहीं, आयल आयल नहीं था उसके वजह से, आयल के वजह से सीज हो गया था। नया इंजन, मतलब नया इंजन पूरा काम आ गया था। चलो भाई फिट उट करेंगे, फिर उसके बाद में अपना बूस भी चेंज करवाना है केबिन का, जो कि दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इसको फिट करवा के अभी निकलेंगे यहाँ से। अरे भाई नाश्ता करने के लिए जो कि इडली और बड़ा खा रहे हैं रोड के बगल में। तो दोस्तों अपना रेडिएटर फिट हो गया भाई, पानी वानी डाल रहे हैं। फुल हो गया, टाइट भी कर दिया इसको, गाड़ी चालू करके देख लेते हैं कहीं से लीकेज तो नहीं है। ये सब टाइट है बढ़िया, देख लेते हैं चालू करके, क्योंकि भाई लीकेज भी हो सकता है ना। चालू करते हैं,
देखते भाई। खुल के निकल गया जो कि भाई देख सकते हो, तो इसको निकाल रहे हैं अभी। अभी इसमें नट लगा हुआ है यहाँ पर, इसी को भी निकाल रहे हैं। यहीं पे बूस लगता है जो कि दिखाते हैं आप लोगों को। ये वाला देख रहे हो, ये रबड़ वाला कट चुका है। और दिन के करीबन 12 बज चुके हैं भाई, 12 साढ़े 12 हो गए, अभी तक काम नहीं हुआ है ढंग से। यहाँ से इसका भी आयल उल चूता है मेरे ख्याल से। ओ भाई साहब, हमारी गाड़ी के काम तो हो रहे थे भाई, लेकिन यहाँ पर एक और गाड़ी आ गई जो कि एक्सीडेंटल गाड़ी है, जो कि देख सकते हो भाई बहुत ही खतरनाक हुई है। देख रहे हो पूरा टूट फूट के एक हो गई। तो इसकी गाड़ी के अंदर का सीन दिखाते हैं आप लोगों को भाई। ये देखो कुछ इस तरीके का है, ये देख भाई पूरा टूट गया, इधर भी डैशबोर्ड पूरा अंदर घुस गया है भाई साहब। और ये भाई गाड़ी ऐसी थी, मतलब टमाटर भर के जा रहे थे यहीं से रायपुर से सुकमा कोंटा तरफ का, तो ये एक्सीडेंट देख रहे हो। खैर ड्राइवर ओवर बच गया है पूरा, देख सकते हो इधर सीट उट सब बढ़िया, गाड़ी चल के आई है पूरा शीशा के भी देख रहे हो। देखो अब इसका पूरा डेंटिंग होगा भाई, ये देखो यहाँ पूरा ये अंदर भी घुस गया है, पूरा ऐसी की तैसी हो गई है, नहीं पूरा झोपड़पट्टी के जैसा हो गया है। खैर ड्राइवर बच गया भाई, सब ठीक ठाक है, सब सलामत है, ऐसी बात नहीं है, और रहना भी चाहिए नहीं। और अपने गाड़ी का भी काम हो रहा है सामने में, गर्मी लग रही, उतरते पूरा दिखाते हैं इधर से। ये देखो पूरा डाला भी खत्म हो गया इसका, दोस्तों रात के करीबन 8 बज चुके भाई, और हम अभी घर पहुंच चुके हैं। बीच का ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि भाई एकदम ब्लॉग शूट करने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि 2 दिन हो गए थे भाई नहाए नहीं थे, तो एकदम मतलब अजीब लग रहा था इसके वजह से। और घर पहुंच चुके हैं, तो आज घर पे अपने बन रहा है, देख सकते हो यहाँ पर पूड़ी बन रही है भाई, आलू काले पूड़ी बन रहे, पराठा बनने के लिए बोला था लेकिन पूड़ी बन रही है, देख रहे हो। अजीत यहाँ पर छानने में लगे हुए हैं, मम्मी यहाँ पर बेल रही हैं, ये देखो। तो बस ऐसे कुछ सीन था भाई, गाड़ी का पूरा काम उम करवा के आ गए हैं, और कल दोपहर में निकलेंगे गाड़ी जो कि अपनी बाहर में लगी हुई है, ये देखो। और इसको देखो ये अंदर में आ गया है, बाहर चल बाहर चल बाहर चल, हाँ बस 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 ठीक है। तो अभी गर्मा गर्म भाई पूरी खाते हैं, फिर उसके बाद में आराम आराम करेंगे। अजीत निकाल रहा है भाई गर्मा गर्म, हमारा खाना निकल चुका है नाइट का, जो कि भाई यहाँ पर है चिकन, जो कि हमारे घर पे नहीं बना था, चाची के घर पे बना था, तो भाई चाची ने दिया है तो उसी को ही खा रहे हैं। और घर पर और कुछ बना है, और मैं दही लेके आ गया था क्योंकि पूड़ी बन रही थी, तो मैं सोचा दही लेके चले जाते, दही खा लेंगे, है ना। तो खाते हैं भाई, दिन में खाना खाए थे उसके बाद में नहीं खाए थे। दे भाई चम्मच दे, इसमें थोड़ा सा हमने वो भी डाल लिया नमक, फिर कोई चाहिए तो खाते हैं दोस्तों, दही यार खा के देखते हैं। फिर मीठी दही ली है मैंने, बढ़िया ठंडी है।
आ जाओ दोस्तों आप लोग भी, नहीं तो बोलोगे भाई पूछा ही नहीं अजय भाई ने तो। खाते हैं दोस्तों, हो गया भाई गाड़ी का काम करवाते करवाते पूरा शरीर थक गया था। तो आते साथ में पहले तो मैंने नहाया, फिर उसके बाद आराम किया, फिर खाना तैयार था तो खाना भी खा लेते हैं। और 8 बजने वाले करीब है ना, ठीक है दोस्तों खाना वाना खाते हैं भाई। देख लो खाना पीना अपना हो गया भाई और चले अभी आराम उराम करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर कल ब्लॉग बनाया घर पर तो ठीक है, नहीं बनाया तो भाई फिर मिलेगा बाद में आप लोगों को। खैर बनाने की कोशिश करेंगे यार, आप लोगों का डिमांड भाई रहता है यार वीडियो दे दिया करो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। तो वीडियो को बढ़िया देखा करो, पूरा फुल देखा करो यार, स्क्रिप्ट कर करके मत देखा करो। तो ठीक है दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।